लाइमलाइट में बनी रहती हैं, जहां उन्होंने हिमेश शमिया की एल्बम और रेस 3 के गाने के लिए अपनी आवाज दी थी, वहीं अब वो अपनी सिंगिंग नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग का जादू चलाने वाली हैं। जी हां, आपने सही सुना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इश्क इन पेरिस एंड मे और मिसेस खन्ना के डायरेक्टर प्रेम सोनी ने यूलिया को अपनी एक फिल्म के लिए अप्रोच किया है। भले ही प्रेम सोनी की ये दोनों ही फिल्में बुरी तरह पिट गई हो, लेकिन इस बार वो यूलिया के साथ काम करने की तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये फिल्म गोवा पर बेस्ड होगी और इस फिल्म में यूलिया के ऑपोजिट रणदीप हुड्डा होंगे। सोर्सेज के मुताबिक सोनी वंतूर को कास्ट करने के लिए काफी उत्सुक थे। सोनी के सलमान के साथ अच्छे रिश्ते हैं और ऐसा लगता है कि सलमान खान ने ग्रीन सिग्नल आसानी से दे दिया। वंतूर भी खुश हैं, वो अब शूटिंग शुरू होने के इंतजार में हैं। वेल, अब आप सलमान की गर्लफ्रेंड के डेब्यू फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।